नाउ स्टूडेंट्स अ वेरी अनयूजअल फर्स्ट स्लाइड बजाय इसके कि आपको ये बताऊं कि सर्च इंजन काम कैसे करता है अब जो इमेज आपको नज़र आ रहा है ये ऑब्वियसली आपके दिमाग में सवाल आएगा ये क्या चीज़ है सो so, पहले ये समझें कि वेब पेज के अंदर जो वेब का वर्ड है वो क्या चीज़ है अगर उर्दू में देखें वेब को तो उसको बोलते हैं मकड़ी का जाला कभी अगर आपने मकड़ी का जाला देखा हो तो वो आपस में कनेक्टिड होता है तो वेब पेज को वेब पेज इसलिए बोलते हैं अगेन आई एम कमिंग बैक टू द वेरी बेसिक इंस्टेंट कि पहले चीज को समझा जरूर करें कि हम पढ़ क्यों रहे हैं क्यों वेब वेब का नाम वेब क्यों है और पेज का नाम मैंने ना आपको बता दिया पेज क्यों है तो वेब जो है वो बेसिकली जितनी वेबसाइट्स हैं हमें ये पता है कि इंटरनेट के ऊपर बिलियंस ऑफ वेबसाइट हैं यानी बेतहाशा वेबसाइट्स हैं अब उसको वेब क्यों बोलते हैं अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि वेब पेजेस को और वेबसाइट्स को आप उसमें लिंक कैसे करना है यही वेब है कि मैं अपनी वेबसाइट पे था लेकिन मैं अपनी वेबसाइट के थ्रू फॉर एग्जांपल गूगल डॉट कॉम पर गया या बीबीसी वर्ल्ड डॉट कॉम पर गया बीबीसी वर्ल्ड डॉट कॉम से फॉर एग्जांपल मैं क्रिक इन्फो पे गया क्रिक इन्फो से फॉर एग्जाम्पल मैं आई एम डी बी डॉट कॉम पर गया और ये मेरे कनेक्शन बिल्ड होते जा रहे हैं मेरे वेब बिल्ड होता जा रहा है डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं इस इमेज में जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं वो एक वेबसाइट है और जो एक डॉट से आगे लिंक्स लिंक्स निकल रहे हैं, हैं ये वो हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं कि एक वेबसाइट के थ्रू आप किसी दूसरी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं तो ये अगर आप इसको बिगर पिक्चर में देखें तो इट विल टर्न आउट टू बी वेब ऑफ पेजेस यानी वेबसाइट्स वेबसाइट को हम बेसिकली वेब बोलते हैं मतलब मकड़ी का जाला अगर बहुत बड़ा हो तो उसकी तस्वीर कुछ इस किस्म की होगी बिल्कुल वैसे ही इंटरनेट के ऊपर जाले को रिप्लेस कर दें आप वेबसाइट से सिंपल अब ये देखते हैं कि सर्च इंजन काम कैसे करता है सबसे पहली चीज लेट्स सपोज मैंने और आपने एक वेबसाइट बनाई और उसके अंदर हमने कीवर्ड्स मेटा टैग कंटेंट वगैरह डाल दिया अब सर्च इंजन के अंदर एक चीज होती है सबसे पहले उसको बोलते हैं क्रॉलर्स स्पाइडर्स ये जो आपको स्पाइडर की पिक्चर नजर आ रही है ना वो सबसे पहले जो सर्च इंजन होता है वो स्पाइडर्स इंटरनेट पे भेजता है यानी वेब पे भेजता है और सबसे पहले फॉर एग्जांपल वो आपकी वेबसाइट पे आया उसने आपकी वेबसाइट से आपके टाइटल कीवर्ड्स टैग्स नेविगेशन बैकलिंक या कहीं स्टोर कर लें उसने वो जाके जो चीजें नोट की थी उसने किसी सर्वर पर जाके लिख दी यानी अपनी जो सारी फाइंडिंग्स थी उसको एक जगह कंसोलिडेट किया और जाके फिर रख दिया जो उसकी फाइंडिंग थी वो उसे जाके गूगल को बता दें तो अब लेट्स सपोज मैं अगर सर्च इंजन पे एज अ यूजर आया हूं और मैंने वही कीवर्ड लिखा है सर्च इंजन में जो स्पाइडर ने गूगल को बताया था तो जो गूगल है वो मेरी सर्च को के अगेंस्ट उस वेबसाइट को रेफर कर देगा जहां पे वो कीवर्ड एग्जिस्ट करते थे मतलब ये हुआ स्पाइडर का काम ये है कि वो डिफरेंट वेबसाइट्स को विजिट करता है वेबसाइट्स को विजिट करने के बाद अपने पास कुछ चीजें नोट डाउन कर लेता है उस वेबसाइट की इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्सिंग करना इंडेक्स क्रिएट कर लेता है तरह बुक के होते हैं कि लेट्स बोल मैं अगर कोई कीवर्ड सर्च कर रहा हूं तो बजाय इसके मैं पूरी बुक को ट्रवर्स करूं मैं बुक की जो इंडेक्स है उसको सर्च करूंगा तो इंडेक्स भी तो कोई बना ही रहा है ना सर्च इंजन के केस में जो इंडेक्स है वो स्पाइडर के वो कीवर्ड्स हैं जो उसने आपकी वेबसाइट पे विजिट करने के बाद अपने पास नोट डाउन किए थे और इस तरह की बेतहाशा वेबसाइट्स को स्पाइडर विजिट करता है और अपने पास कीवर्ड के तौर पर इंडेक्सिंग कर लेता है तो जब भी कोई मैं और आप सर्च करते हैं कीवर्ड की तो गूगल जाके जो ह्यूज क्वांटम ऑफ डेटाबेस है इंडेक्सिस का उसको सर्च करता है क्योंकि हमारे पास यूआरएल भी होता है कि वो कीवर्ड किस यूआरएल यानी किस वेबसाइट का है तो फिर उसकी आपके कीवर्ड की उस वेबसाइट में रेलिवेंस निकालता है माने आई मीन जो पेज रैंक है और फिर कोई भी पेज आपको मुझे और आपको एज आ सर्च रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाता है तो, और इसमें जो मजे की बात है वो ये है कि जो क्रॉलर का काम होता है इट इज कंटिन्यूस यानी ऐसा नहीं है कि एक बार क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आया उसने आपका कंटेंट देखा और वापस जाके अपने पास नोट no डाउन करके डेटाबेस में अपने पास इंडेक्स क्रिएट कर लिया ऐसा कतन नहीं है क्रॉलर जो है वो आपकी वेबसाइट पे कॉन्स्टेंटली आता रहेगा टू मेक श्योर कि आपका जो कॉन्टेंट है वो रेलिवेंट रहे फॉर एग्जाम्पल आप एक ब्लॉग चला रहे थे आपका कुछ हद तक यानी कुछ अरसे तक आपका कॉन्टेंट बहुत अच्छा था कुछ अरसे के बाद आपका कॉन्टेंट इेलिवेंट होना शुरू हो गया तो जो स्पाइडर है जो क्रॉलर है वो आपकी पेज रैंकिंग कम कर देगा तो मतलब ये है कि इट इज इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस यानी जो क्रॉलिंग है और जो इंडेक्सिंग हो रही है आपके कीवर्ड्स के अगेंस्ट तो ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है इट इज कांस्टेंट रीजन कंटेंट वेबसाइट के ऊपर कांस्टेंटली चेंज हो रहा है नई वेबसाइट्स कांस्टेंटली आ रही हैं और आखिरी पॉइंट कि जो एल्गोरिदम है पेज रैंकिंग का वो भी कांस्टेंटली अपडेट कर रहे हैं अपने आप को डिपेंडिंग अपॉन द इंडेक्सेस एंड द कॉन्टेंट जो वेब पेजेस या जो क्रॉलर हैं वो अपने पास क्रिएट कर रहे हैं तो यू कैन असेंशियली यू हैव टू मेक श्योर कि आपका कॉन्टेंट हमेशा रेलिवेंट रहे और क्वालिटी का कॉन्टेंट रहे